सुनो सुनो अभी देशभक्त बनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो अभी देशभक्त बनो। अरे भाई किसे कह रहे हो, तो देशभक्ति है क्या, हम तुम्हें देश के दुश्मन दिखाई दे रहे हैं? ऐसा नहीं मत कर, देशभक्त देशभक्त बनने के लिए देशभक्ति दिखानी पड़ती है। ये देश जवानों का, अंग्रेजों का, मुसलमानों का, ये देश मुझे तो हर जगह कूड़ा कचरा चोरी चकारी और भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। जब तो कुछ नहीं करना होता, कोने एक कमी दिखाई देती है और कहाँ नहीं है वीर जवान, देश के कोने में है वीर जवान, देश के सीमा सीमा में है वीर जवान। अगर वीर जवान ना हो तो हम चांद को भी ना पाए। तो तुम क्या चाहते हो कि हम सैनिक बन जाए? किसने कहा सैनिक बनो, देशभक्ति तो हजारों काम है। कैसे कैसे आओ दिखाओ कैसे है। देखो देखो यहाँ कूड़ा पड़ा है, कूड़ा मत फैलाओ, कूड़ा मत फैलाओ, जहाँ कूड़ा पड़ा है वहाँ सफाई करो, यही तो देशभक्ति है। अच्छा अच्छा और बताओ, और जहाँ फालतू में लाइटें और पंखे चल रहे हैं उन्हें बंद करो, यह अच्छी बात है। रेड लाइट पे अपनी गाड़ी का इंजन बंद करो, पेट्रोल बचाओ, इसे देशभक्ति कहते हैं। जो एक बात बात पर कागज फाड़ देते हो, इसे फाड़ना बंद करो, पता है ना कागज पेड़ से बनते हैं, कागज फाड़ना बंद करो, पर्यावरण को बचाओ, यही तो देशभक्ति है। दूसरों की मदद करो और पेड़ पौधे उगाओ, यही तो देशभक्ति है। छात्रों ने साथ साथ हम कई तरह के देशभक्ति के काम कर सकते हैं, जैसे स्कूलों के नियमों का पालन करना, लाइन में चलना और सभी धर्मों का सम्मान करना, यह देशभक्ति है। ये तो हमने सोचा ना, बुरा किया, वही बुरा किया। वही तो, अगर आप फिर भी अच्छे से करते हो तो आप एक देशभक्त हो। अगर आप कुछ बुरा ना करो तो तभी आप देशभक्त कहलाते हो। ऐसे छोटे छोटे काम करके हम देशभक्त बन सकते हैं। जो अपनी ड्यूटी अच्छे से समझे और निभाए उसी को अच्छा देशभक्त कहते हैं। समझ गए भाई समझ गए सारी बात।